हैदराबाद सिटी के सामने इस पोर्शन पर दो स्टेशन बनेंगे। देख रहे हैं कराची के जो ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि देखें के काम को काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से मुकम्मल करके काम को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखें मौजूद हूँ, यहाँ पर भी स्टेशन बन रहा है, कराची यूनिवर्सिटी के सामने स्टेशन बन रहा है, एक फ्लाईओवर। अस्सलाम वालेकुम, जुबा डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैन यूनिवर्सिटी रोड पर, बिल्कुल एनएडी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर रेड लाइन के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पर स्टेशन बनाने का काम इस वक्त चल रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि रेड लाइन के हवाले से कुछ अपडेट शेयर किया जाए कि यहाँ पर इस वक्त काम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम गुजरता रोज कुछ दिनों से देख रहे हैं रेड लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले हम देख रहे थे रेड लाइन प्रोजेक्ट पर एक ही पॉइंट पर काम हो रहा था जो मलिरहाट से मौसमियात तक था, लेकिन ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया है, उसके बाद प्रॉपर जो रेड लाइन का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम को काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। आप मेरी अकब में देखें, अगर मेरी आप पिछली वीडियो देखें तो तकरीबन एक से डेढ़ हफ्ते पहले मैं स्टेशन की इस वीडियो यहाँ की वीडियो मैंने बनाई थी जहाँ पर सिर्फ खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बुनियादें स्टेशन के लिए बुनियादों के लिए सरिये बांधने का काम चल रहा है, लेयर यहाँ के मुकम्मल हो चुके हैं। इसके साथ मैं एक चीज़ ये भी बताऊं आपको, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एनएडी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, इसी तरीके से एक और स्टेशन बनने के लिए काम को मुकम्मल शुरू कर दिया गया है कि कराची यूनिवर्सिटी के सामने इस पोर्शन पर दो स्टेशन बनेंगे, एक एनएडी यूनिवर्सिटी के सामने और एक कराची यूनिवर्सिटी के सामने। देखें यूनिवर्सिटी के सामने स्टेशन को बनाने का जो मकसद सिर्फ इतना है, यहाँ के जो कराची के जो तलबा है तो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होने वाला है। देखें ये जो तमाम तर प्रोजेक्ट है, जो जितने भी प्रोजेक्ट है वो तमाम तर प्रोजेक्ट का जो एक हेड ऑफिस के लें या एक मेन पॉइंट के लें वो मुकम्मल जाकर यहाँ से सीधा नुमाइश चौरंगी पर इख्तिताम होगा। जितने भी बीआरटी सिस्टम है तमाम तर सिस्टम को नुमाइश चौरंगी पर ले जाकर मिलाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कराची के जो ट्रांसपोर्ट को लेकर ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे ट्रैफिक पर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसके बाद गवर्नमेंटों ने काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है रेड लाइन को मुतारिफ़ कराया, पीपल बस सर्विस को मुतारिफ़ कराया, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने ग्रीन लाइन को मुतारिफ़ कराया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कराची में चल रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हम देख रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ काम चल रहा है। इस वक्त देखें जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी स्टेशन बन रहा है, कराची यूनिवर्सिटी के सामने स्टेशन बन रहा है, एक फ्लाईओवर जो बिल्कुल बैतुल मुकर्रम के सामने बन रहा है, और एक अंडरपास जो मौसमियात से थोड़ा सा पीछे की साइड बन रहा है, और नीवा पर जो ट्रैक्स को निकाल दिया गया है, और उसके बाद सिविक सेंटर से नुमाइश तक जो पाइलिंग के लिए टेस्टिंग काम वाले और वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। तो मज़ीद मैं आपको यहाँ के स्टेशन के कुछ काम दिखाता हूँ कि यहाँ पर काम किस तरीके से हो रहा है। सरिये के जो बांधने का अमल है वो यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर लिफ्ट के लिए इनकी बुनियादें बनाई जा रही है, लेयर का काम नीचे मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ अब यहाँ पर देखें कि काम को काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से मुकम्मल करके काम को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखें कि मुकम्मल जो सरिये बांधने का काम है वो यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ नीचे जो लेयर का काम है वो मुकम्मल किया गया है, ताकि लेयर के अंदर जो निशानात लगाए जाते हैं उस निशान के अंदर ही काम की प्रोसेस को किया जाता है। देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये देखिए ये जो बुनियादें जो अभी बनाने के लिए सरिये बांधने का काम यहाँ पर चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके से मज़बूत बुनियादें नहीं रखी जाएंगी तो माजी में फिर क्या होगा कि किसी किस्म के हादसात का
सामना हो सकता है। काम को देखें प्लानिंग के साथ प्रॉपर तरीके से किया जाता है। इस वक्त देखें अभी इसकी सरियों को बांधने का काम किया जा रहा है, इसके बाद कंक्रीट इसमें बिछाई जाएगी और फिर इसके बाद कंक्रीट के बाद फिर जो असल शक्ल है वो पिलर के शक्ल में सामने आएगी, जिसके बाद फिर मस्जिद काम को आगे की तरफ प्रोसेस किया जाएगा। इस वक्त स्टेशन बनाने के लिए देखें ये लिफ्ट है और सॉरी आई थिंक वो वाला लिफ्ट है, इसके साथ ये जीने का जो प्रॉपर सेटअप है वो यहाँ पर लगेगा। ये स्टेशन की सेंटर की बुनियादें हैं जहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है और ये प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ जो ये लेयर है इसको भी जो मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर भी इसी तरीके से जो बुनियादों के लिए सरिये का जो फ्रेम है वो यहाँ पर बनेगा, फिर इसके बाद आगे की तरफ खुदाई का काम चल रहा है, फिर उसी के साथ आगे जहाँ से यू टर्न है वहाँ पर काम को इख्तिताम कर दिया जाएगा। ये इतना बड़ा स्टेशन बन रहा है, इसी तरीके से सेम कराची यूनिवर्सिटी के साथ भी स्टेशन को बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें थोड़ा करीब से दिखाया करें, तो इस वक्त देखें मैं एक फोटेज आपको करीब से दिखा रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पर काम होता किस तरीके से। ये देखें यहाँ पर हमारे भाई हैं, यहाँ पर जो सरिये के फ्रेम पर इस वक्त तार को बांध रहे हैं ताकि कंक्रीट बिछाते वक्त यहाँ पर किसी किस्म की कोई सरिये का पुर्जा ना अलग हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर काम किया जा रहा है। तमाम तर जो इस वक्त जो काम का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। एनएडी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ रेड लाइन प्रोजेक्ट के लिए जो स्टेशन का काम चल रहा है उनकी जो कुछ मेन पॉइंट्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे रेड लाइन के हवाले से, तो मैं प्रॉपर हर पॉइंट के अंदर जाकर हर एक पॉइंट्स पर काम क्या चल रहा है डिटेल के साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो, जिस पर आपको हर पॉइंट के अंदर एक अलग अलग वीडियो आप लोगों को मिल सके। इस वक्त तकरीबन रेड लाइन का जो प्रोजेक्ट है चार वीडियो पे मुश्तमिल आप लोगों को मुकम्मल अपडेट्स चैनल पर मिल जाएगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। मिलते हैं किसी और न्यू अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।